बन गई तो तीन तरीकों में जाने का मेरे का हुआ
और वहां पे ये देखने को मिला जो हरे प्रशी मिलते यहाँ गए जिसके बात की कि लोगों ने सनातन धर्म के मंत्रों का उदाहरण ढूंढ के वो काना भी जोड़ा था हमें और पूरे देश में जितने बड़े बड़े देश हैं पहले हमें हम करते थे आज के मतलब पहले का फॉरवर्ड एजुकेशन से करते थे वो दावे भी रहे हैं प्रोफेसर शाहब जिंदगी और गवर्नमेंट कॉलेज के 11 रैंक के मेरे किसी के उत्तर का में शिक्षक बने ने आजकल का वो चंदा नाम के हम कहीं बन कर के एक एकदम से काम कर कर के दूसरे पहले पहले प्रमुख के एकदम कुछ वो अपने अपने धर्म के साथ बात काम काम आगे के हम लोग अपने सारे लोगों के द्वारा थैंक यू सर। जब ये एजेंडा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया तो उसके पीछे जो मेरे मस्तिष्क में बात चल रही थी वो था कि सनातन धर्म को हम एक केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करें, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा को, और उसका अपना एक इंटेलेक्चुअल विंग हो, उसका
और चीज़ों के भी अलग अलग विंग्स हों, ताकि हम बहुत सारी चुनौतियां जो इस वक्त आ रही हैं, आक्रमण कर रही हैं, उनको हम हैंडल कर सकें। और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो आपको मिल रही है संविधान से, क्योंकि संविधान ने वो जो मूल्य दे दिए हैं फंडामेंटल राइट्स और ये जो प्रीएम्बल में, उसके मुकाबले में हमारे जो मूल्य जिन सनातन धर्म के मूल्य हैं वो कहीं खड़े भी हो गए, वो कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और फिर ऊपर से टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो लाइफस्टाइल है इसमें सब कुछ ही उखाड़ दिया। तो इसलिए सनातन धर्म की बात करने से पहले हम अपनी संस्थाओं को मजबूत करें, जितने आप टाई अप कर सकते हैं दूसरी संस्थाओं से उसको अवश्य कर लें, मतलब करने का प्रयास करें। मुझे मालूम नहीं है कि एक्जेक्टली क्या सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा क्या करती है और क्या उसका है, लेकिन अगर वो उस तरह का हम कार्य करते हैं जैसे हम कहते हैं कि ये सोशल सर्विस वाले, वो हम बिल्कुल छोड़ दें, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो हमारा काम है कि मैडम फैन लिखा होगा वहाँ पे एफ, सिर्फ उसको आप करें, बाकी गड़बड़ हो जाएगी, बाकी सारे काम करने के लिए और बहुत सारी संस्थाएं हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि जैसे अग्रवाल सभा है ये सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के साथ अटैच्ड है कि नहीं है, नहीं है तो हम एफर्ट करके इनको हेल्प करें और सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा को सेंट्रल फिगर बनाएं। चाहे आप उनको औपचारिक टाई अप कर दें, कुछ भी करें, इसी तरह जितनी और संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और हैं, तो एक तो ये प्रयास पहले करें। दूसरा ये है कि हम एक फॉर्मेट तैयार करें, जो मैंने आगे भी किया था, कि सनातन धर्म को आप परिभाषित कैसे करेंगे। वो आप लोगों को मैंने आगे भी जो बात शेयर किया था उसमें 23-24 पॉइंट मैंने डाले, बड़े सिंपल सटीक और चुनौती देने वाले, कि आप इससे बेहतर कुछ कर सकते हैं तो बताएं। ये आप देख ही सकते हैं, नहीं है तो मैं बाद में शेयर भी कर दूंगा आपको, 23-24 पॉइंट हैं। अगर इसको हिंदी में भी हम ट्रांसलेट कर लेंगे और भाषा में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको ओपन डिस्कशन करें, ओपन हाउस में जो भी सदस्य हैं उसको जो सहमति हो ना हो तो अलग। और फिर इसके बाद जो है इसके आधार पर हम अपनी पॉलिसीज को डिसाइड करने की कोशिश करें। मोरेलिटी की बातें करना आज कोई अर्थ नहीं हमारे रखेगा, ना कोई बच्चा सुनेगा, क्योंकि उसके हाथ जो कुछ आ गया है उसके हिसाब से तो फिर मुझे नहीं लगता कि भी वो रुचि लेगा भी सनातन। जो मुश्किल वाली सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात है कि हम एक सनातन धर्म का संस्कार कहाँ से देते हैं, बच्चे में एक निष्ठा कहाँ से लाए। और ये आरोप जो लग रहे हैं कि भाई ये स्त्री विरोधी पाखंड और कर्मकांड, ये इशू इतने सीरियस नहीं है जितना हमें, मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को डेवलप करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के बगैर हम लोग कुछ भी स्थापित नहीं कर पाएंगे। हमारी इंटरेक्शन ही नहीं है, आर्य समाजियों के साथ इंटरेक्शन नहीं है, जैनियों के साथ नहीं है, बौद्धों के साथ नहीं है। तो अपना एक बार फॉर्मेट डिसाइड करके उसके बाद हम उनके साथ इंटरेक्ट करें। और अब तो सेंटेनरी ईयर है, ये तो चलो अच्छी बात है, तो मैं समझता हूँ कि हर संस्था को आप एक रिक्वेस्ट लेटर शायद भेज सकते हैं कि भाई एक एक सनातन धर्म के स्वरूप के ऊपर ही आप चर्चा करो और इंटरेक्टिव सेशन करो, लेक्चर्स मत कराओ, क्योंकि लेक्चर बड़े खतरनाक हो गए हैं कि वो आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, कोई प्रभाव ही नहीं हो पाते। इसी तरह से मीटिंग्स करें हर इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स, उसका जो क्रक्स निकलता है वो करें, निकालें और उसको परस्यू करें फिर हम। तो कुछ मेरे तो दिमाग में कुछ इस तरह की बातें हैं कि इंटेलेक्चुअल विंग आप स्थापित करें, और भी जो मतलब उस इंटेलेक्चुअल विंग की ये जिम्मेदारी हो कि सनातन धर्म के आधार पे वो पॉलिटिकल चाहे फिलॉसफी बनाए या वो सोशल जो भी इश्यूज को एड्रेस करना चाहते हैं, एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स को एड्रेस करना चाहते हैं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी मुझे लगता है सनातन धर्म के लिए तो बहुत ही अनुकूल है, बहुत स्कोप है उसमें कि हम जहां पर हम बीच में फंस सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की को ध्यान में रखते हुए हम सनातन धर्म को एक बार पुनः परिभाषित करें। और साधु संतों से
मुझे लगता है कि वो हमारे लिए बहुत उपयोगी इस अर्थ में नहीं है कि वो गृहस्थियों को बताएं। गृहस्थी पर ये साधु संत जो है ये निर्भर होने चाहिए। हमने स्ट्रक्चर ही बिल्कुल उल्टा कर दिया है कि हम उन पर निर्भर हो गए दिशा निर्देश के लिए। तो ये भी एक मुद्दा ध्यान में रखने वाला है। वो काम करें, सनातन धर्म को परस्यू करें, लेकिन वो सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा जो उनको बताए उस एजेंडा को वो परस्यू कर सकते हैं तो अच्छी बात है। बाकी वो शिष्य बनाए ये करें, वो हमारे से मुझे नहीं लगता कि वो हमारी रुचि का कोई ज्यादा विषय होगा। तो अभी तो मैं इतनी की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये ओपन हाउस डिस्कशन है। आपको जो लगता है वो आप बताएं, उसको हम करेंगे। ये 24 मिनट में चाहता था कि मैं आप लोगों के साथ ऐसे शेयर कर देता। जी 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 मैं वो ऊपर हम लोगों के कमेंट्स भी जी और हाँ इंटेलेक्चुअल रिंग का सवाल है। आज से बहुत वर्ष पहले जी सनातन धर्म सभा में एक विद्वत परिषद हुआ करती थी। समय के साथ साथ बहुत से बदलाव आते गए, आज की डेट में वो नहीं है। लेकिन ये जो प्रयास किया जा रहा है ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हम इन सारे मुद्दों पे चर्चा करने के लिए एक बार दोबारा से। अब जो दो चीजें हैं देखिए, मैं बीच में इसके साथ के साथ कमेंट दे रहा हूँ। जी जी हाँ, दो तरह के इश्यू है। एक है सनातन धर्म को इंटेलेक्चुअली लेने का, एक है सनातन धर्म को कॉन्स्टिट्यूशनली लेने का, और एक है जो स्थिति देश में इस वक्त बन रही है उस वक्त इन सारी चीजों से ऊपर उठते हुए जो है इमीडिएट, जिसको कहते हैं जैसे हम कहते हैं ना होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है, एलोपैथी धीरे धीरे काम करती है, और ये हमारी आज की मेडिसिन जो है फटाफट काम करती है। इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है देश के अंदर और जो युवाओं के अंदर, उसके लिए तो हमें बहुत ज्यादा डिस्कशन में ना करते हुए इमीडिएटली हम क्या उनको रिलीफ दे सकते, मेरा ये सुझाव है वो हम करें। हम ये ऑफिशियली बना देंगे एक इंटेलेक्चुअल परिषद जो आपने सजेस्ट किया, वी विल डू इट, वो आपस में मिलती रहे, डिस्कस करती रहे, और उसके बाद जो भी आपके कंसेंसस बनते हैं उसको जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमने लेके जाने हम लेके जाएंगे अपने नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो मुद्दे हमारे बाकी के हैं उनको हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भैया पहले हम ये चीज कर लें, पहले हम गवर्नमेंट के साथ टक्कर ले लें, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। नहीं नहीं नहीं, ये तो सारा एक साथ ही हमें करना पड़ेगा। लेकिन मेरी इच्छा ये जरूर है कि सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा वो सेंटर में हो, केंद्र में हो और प्रभावी हो। और जितने इसके लिए ये है कि आप जितने टाई अप्स कर सकते हैं, जितने लोगों को और एड अप कर सकते हैं, है ना, पूरा प्रयास करेंगे। जी जी, ये समाज में अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। जी, अलग अलग समुदायों में हम बट चुके हैं और छोटे छोटे उसमें बट चुके हैं। उसके पीछे जो मैं महसूस करता हूँ वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ इतना है कि भैया हर ग्रुप ये चाहता है कि मैं अपने ग्रुप का लीडर हूँ, क्योंकि हाँ एक आइडेंटिटी जो है वो बने। जी जी, अगर हम अपने इतिहास को खोजें, और हम अगर ये कहें कि ये भी आपस में एक ग्रुप है तो वो भी नहीं है, वो भी एक एक गांव में तीन तीन अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। आपका सुझाव ठीक है, इसको हम अपनी एक प्रोजेक्टिव मीटिंग में पा सकते, हम डिफरेंट जो आपने कहा सेक्स के साथ में बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी, ऑब्वियसली सेक्स का हम जो है वो मिलेंगे भी, इंटरेक्ट भी करेंगे, वो एक हाई लेवल की बात है। जी जी, वो एक हाई लेवल की बात है जिससे कि ना आप सपोज हमने जैनिज्म को
एनजीओ को अपने साथ जोड़ना है तो वो नहीं कहेंगे कि हमारे तो संत महात्मा लोग कहेंगे हमको बिल्कुल वही मानेंगे। हाँ बिल्कुल। अब आपने जैसे अग्रवाल सभा की बात कही, अग्रवाल सभा में आज की डेट में आप देखें कि ठीक है वो धार्मिक काम भी करते हैं और अग्रवाल में से तो 99% जो है वो स्टैब्लिश वैल्यूज को ही लेके चलते हैं। लेकिन वो सबसे बड़ी प्राप्ति तो वो है कि हम अग्रवाल सभा की बात करते हैं, ब्राह्मण सभा के नाम से निमंत्रण भैया हम इस जातिवाद में फंसना ही नहीं चाहते। तो ये जितने बने हुए हैं चाहे वो अग्रवाल सभा है, अफगानी सभा है, ये सभा है, ब्राह्मण सभा है, अम्बाला अम्बाला में 20 ब्राह्मण सभाएं बनी हुई है, ये हमारे लिए जो है इतने ज्यादा नेगेटिव पॉइंट फॉर अस। हमें तो एक चीज के लिए प्रयास करना है स्थापित। सनातन धर्म की मैं तो अपने जीवन में पहली बार देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो वास्तु में सनातन का बीज है वो जिंदा है और वो बट भी शिक्षा है जो हमारी शाखाएं प्रशाखाएं इतनी है वो अपनी जड़ से जाने अनजाने बंधी हुई होकर के भी अपने आप को अलग करने के लिए प्रयत्न हो रही है। ये बड़ी भारी विडंबना है। जैसे बताया भी आपने कि राम के दर्शन जो सनातन धर्म का रक्षक स्वामी विवेकानंद के नाम हर समाज में लेता है, वेदांत पर दिन दिन खोज कर दिया वो उनके अनुयायी कहते हैं कि हम सनातन धर्म। लेकिन कौशल जी मैं देखो मेरी समझ ये कहती है उनके विषय में कि उन लोगों को ये समझ में आ गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो तलवार और ढाल का काम करता है और जितने सेक्स हैं वो इसी तरह से उसको यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हाँ तो वो इसलिए वो इस अलग होना उनके लिए बहुत जरूरी है ताकि वो ढाल और तलवार की तरह उसको यूज करें। मुस्लिम्स इसको कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं आपको, इंटेलेक्चुअल्स आपको इसी तरह से हिट कर रहे हैं, लिबरल्स आपको तो सारे कर रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ भी है और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे आपको छुरा भी मार रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दोषी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो अकल का जनाजा तो दिखाई दिया हमें कि भी क्या है। तो इसलिए वो कुछ ज्यादा चिंता का विषय नहीं, लेकिन वो अलग नहीं हो सकते। लेकिन इशू ये है कि इन थ्रेट्स को हैंडल करने पहले तो समझने के लिए हमारे पास वो लोग हों, वो लोग इसको प्रॉपरली समझें और फिर उसको हम अपने सदस्यों तक घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करें और फिर उनको ये भी बताएं कि भाई तुमने तर्क या चुनौतियाँ देनी कैसे हैं, दूसरों को कैसे आपने हिट करना इंटेलेक्चुअल बैलेंस में, लेकिन आपको पता हो कि भाई आपने कैसे चुनौती देनी है। क्योंकि अब ये जैसे डॉक्टर साहब भी एक विषय उठा रहे थे कि नए बच्चे जो हैं वो क्यूरियोसिटी उनकी है, उनकी कोई सीरियस क्यूरियोसिटी नहीं है क्योंकि आप देखें जिस तरह का उनका लाइफ स्टाइल है, जितने कम्फर्ट और उस कन्वीनियंस में वो रहते हैं, वहाँ पर आप उनसे जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो वो अच्छा बताओ कि क्या होता है, इसमें साइंटिफिक क्या है, वो अपनी लाइफ को साइंटिफिक तरीके से जीते हैं, कौन साइंस में इंटरेस्टेड है ना। लेकिन हम वो एक ऊपर का वो एक मलमा बना लेते हैं क्योंकि जीन्स पहनी हुई हैं और इस चीज़ में काम कर रहे हैं, ओके मैं ठीक है आप मुझे बताएं साइंटिफिक इसमें क्या। साइंटिफिक जानने के लिए तुम बैठो तो सही, तुम पंडित की थाली को लेके तो बैठो, देखो जब वो तुम्हें पूरे का पूरा स्पेस और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी थाली में दे देता है, 9 ग्रह तुम्हें दे देता है, तो वो साइंस नहीं है। लेकिन उसको हम साइंस नहीं कहेंगे, हम साइंस समझेंगे कि जब तक वो ए प्लस बी स्क्वायर ना होगा तो वो हम तो बोल मारे। ये चीजें हैं सर जी, जो खाती देखने पंडित बैठते हैं और जो नवग्रह की बात करते हैं उनका कभी आप उच्चारण और उनका कभी आप समझाने का वो सारे दोष हैं, सारे दोष वो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, हमें उन दोषों तक ही को पहुंचना है। दे आर अवर एम्बेसडर्स, दे आर अवर उसके लिए तो पीपल हर जगह आशुतोष जाके तो कन्वे नहीं कर सकता ना, इसीलिए कौशल जी नहीं कर सकते, इसीलिए इसीलिए सर मैं मतलब बार बार माय कंसर्न इज कि हम
छोटे लेवल से ऊपर उठना शुरू करें। ये सिर्फ दिस इज ऑल। और जो आपने दूसरी बात कही कि देखिए सपोज एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि अंबाला में जैन संत समाज आया हुआ है, जी जी, मैं उनके पास जाता भी हूँ एक प्रतिनिधि बन के, तो मेरे पास एक फिक्स एजेंडा होना चाहिए पहले तो ये बताने के लिए कि हाउ वी आर टू कम टूगेदर, व्हाट आर द कॉमन इंटरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, जैनीज को मैं ये नहीं कह सकता कि भैया आप शाम को आरती करें या आप नहीं, करें। नहीं, बिल्कुल आपकी बात करें, मैं वही बता रहा हूँ कि आप सिर्फ बहुत सिंपल है सर, जैनी आपके साथ बिल्कुल खड़े हो जाएंगे जिस दिन आप कहोगे कि हम नैतिकता का पक्ष आप लेकर के जाएं, वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। वो तो पांच पॉइंट होने चाहिए, बिल्कुल हम आपका सहयोग इन पांच विषयों के ऊपर चाहते हैं, जो हमारे धर्म हमारे समाज वो भी अपने आप को धर्मी मानते हैं ना, बिल्कुल। तो अगर मैं ये कहूंगा कि भैया सनातन धर्म खतरे में है या सनातन धर्म के लिए अपने चाहते हैं तो क्या करना, नहीं नहीं वो ऐसा कुछ नहीं कहने की जरूरत है कि भाई हम चाहते हैं आप पांच पॉइंट बनाए कि भैया मैं एक लेटर लिखूंगा अपनी तरफ से लिखूंगा कि भैया हम एक गोष्ठी करना चाहते हैं आपके प्रतिनिधि आए, और केवल ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है हाँ बिल्कुल, जो कॉमन हमारा कॉमन ग्राउंड है, कॉमन ग्राउंड तो वो भारतीय संस्कृति है, और वो मुझे नहीं लगता कि कोई मना करेगा, क्योंकि कम से कम दो या तीन ऐसे संतों को तो मैं जानता ही हूँ जो संपर्क में हैं, बड़ी गुडविल उनकी है। सनातन धर्म का जैन धर्म से या आर्य समाज से या अपना जो खालसा पंथ है इनसे किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, बिल्कुल। और केवल एक उपासना पद्धति थोड़ी सी अलग मान लीजिए उनकी है, जहाँ तक उनकी आध्यात्मिकता का प्रश्न है, चाहे वो जैनिज्म हो, वहाँ तक बुद्ध का भी मान लो आप, हालांकि वो तो वहाँ वाले कहने लगे हैं क्योंकि ऐसा नहीं है, जब कुछ धरातल तो उसकी स्थिति आ जाती है, और आगे समाज का रवाज तो है कुछ नहीं है कुछ नहीं, और ये जो है केवल एक सनातन धर्म की एक छोटी छोटी कुरीतियों के विरोध में उनसे हुए संप्रदाय, इसके अतिरिक्त ये कुछ नहीं है, और उसी से पृथक होकर के पुनः उसी में विलीन हो गए, जी जी, जैसे कोई धारा गंगा से निकले पुनः गंगा में विलीन हो जाए, ये वहां की प्रकार की स्थिति है। और जो स्थिति हमारे यहाँ पर है सनातन धर्म की, जैसे हम उसके संधिकरण की बात करते हैं, संधि की भी बात करते हैं, आप किसी भी जैनी को पूछ लो अगर वो दो शब्द में दो वाक्य में या दो मिनट के लिए जैन धर्म को ये बता दे कि जैन धर्म क्या होता है। मेरे बड़े बड़े जैनियों से भी बात हुई है और जो आचार्य से भी हुई है, और जैन धर्म के सारे आचार्य जितने भी हैं वो योग दर्शन भी पढ़ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, वो ब्रह्म सूत्र भी पढ़ रहे हैं, खुद मेरे के लिए ऊपर आए पढ़ने की, जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे जो विरोध है हमारा जो विरोध हो रहा है जहाँ को जहाँ से हमें खतरा मिल वो खतरा है मुस्लिम पुष्टिकरण से, वो खतरा है ईसाइयत से, ये तो अपने ही संप्रदाय हमारे घर की लड़ा ली है, तो चाहे वो अब ब्राह्मण सभाएं हो हमारे यहाँ, जैन सभाएं हो, राजपूत सभाएं हो, जाट सभाएं हो, इस तरह से समाज का वर्गीकरण है कोई स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं है, होना चाहिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप इसको हिंदू कह दीजिए सनातन धर्म कह दीजिए, ये जो आवश्यकता से ज्यादा जातिवाद पर जो ध्यान दिया जा रहा है ये बड़े हम इसको जैसे वैज्ञानिकता की बात की है, और ये बिल्कुल सही है कि जो हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण है हम उनका बड़ा सम्मान है, दो तीन बार मुझे अक्षत मंडल में और बातचीत करने का अवसर मिला, बहुत कुछ कहा, आप ये कह दूसरे तो आपने पढ़ा होगा कि एक है शब्द समझित ज्ञात है, ये भी कहा मैंने, मंत्रो ही ने स्वर्ग का वर्णन तो हुआ, विद्या तो ना समझ हम आप इंद्र पिता को भी मारा गया था, बिल्कुल आप अपने उच्चारण की शुद्धता पर क्यों जोर नहीं देते, आप बताइए, आपने नवग्रह के मंत्र पढ़ने हैं, दिन में हो सकता है तीन बार पढ़ दो आपने,
क्या आप नौ ग्रह के नौ मंत्र याद नहीं कर सकते क्या? और बड़ी स्थिति डामाडोल होती है उस समय जब कोई अंत्येष्टि संस्कार पर पीठ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति बोलता है और उसे कुछ भी अता पता नहीं होता, किसी भी चीज का अता पता नहीं होता, यही नहीं पता होता कि हमारे यहाँ पर जो प्रचलन है वहां पर सबसे पहले अब एक और प्रचलन शुरू हो गया। क्या प्रचलन शुरू हो गया कि जहां पर भी ये अंत्येष्टि संस्कार में रथम पगड़ी होती है आरती कर दो, कहां भी जाना आरती करने का कहीं पर क्यों फिर छावा चलेगा। और एक भय जो हमारे धर्म की सबसे भी दो दो त्रुटियां, एक तो अज्ञात भय और दूसरा अत्यधिक लालच, इन दो खेलों के द्वारा हमारे संतरी हमें एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण भी हमें एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये नहीं क्या ऐसा हो जाएगा तुम लोटे पर ही तक लगा कर यहाँ आगे यहाँ लेकर दाएं रखा बाएं रखा छूटा है, एक आदमी खपचे हो तो भाई बिल्कुल बिल्कुल तो धर्म की जो हमारी रूढ़ियां है उन रूढ़ियों पर हमें ध्यान दे करके एक जो स्वस्थ और सुगम मार्ग है धर्म का हमें, हाँ बिल्कुल इनके लिए हमें डिप्लोमा करे और ये शुरू में नहीं होगा अगर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जो है ना एक मंदिरों में लोग रखा जाए लोगों को पता चलेगा कि वहां से इसके पास सर्टिफिकेट है नए अंकुर जो हमारे टूटे वो पूरी तरह से सनातन धर्मी वातावरण में एक डेढ़ साल के अंदर हमने बहुत कुछ खोया कि केवल अंग्रेजियत के चक्कर में बढ़ता पब्लिक स्कूल में पब्लिक स्कूल में मैं कहता हूँ अंग्रेजियत के फैलाने में सबसे ज्यादा योगदान आर्य समाज का और नंबर दो का भी आता है उसने बाद में उसका अध्ययन का भी किया। ये किसने कहा कि पब्लिक स्कूल जो है ना अंग्रेजी मीडियम भी हो सकता है, तो जनता है ना जनता कॉलेज वहां पे कॉलेज तो स्कूल में जनता स्कूल भी था मगर एक इसमें थोड़ी सी इस उसके प्रति हम लोगों की मान्यता नहीं बदल रही है शिक्षा बदल कि उसका मतलब उनका अच्छी पढ़ाई करें बस वो चीज उसके अंतर्गत और हम अपने चाहे वो हमारे दूसरे सामान्य स्कूल हो चाहे हमारे लोग हो उसके अंतर्गत जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि नैतिक शिक्षा वाली एक बात है वैदिक शिक्षा जो कुछ भी नाम थे आर्य समाज के पेटिंग है जो में भी है और स्कूलों में भी है वहां जब भी करते हैं ठीक है मगर एक छोटी सी पुस्तिका थी ना वो हम निकाले ज्यादा ना उसमें 20-25 श्लोक अच्छे अच्छे मंत्र भी हो श्लोक भी हो और जैसे हम बच्चों को प्रिंकल प्रिंकल लिटिल स्टार छोटे छोटे बच्चों को सुनाते हैं शिशु शाला में ही वो इसी प्रकार से सुनाई जाए गायत्री मंत्र है अश्वत्थामा निगमे है वेद में मुख्य मंत्र है अरे इस तरह के कुछ 10-15 और उनको बच्चा जो है ना बिल्कुल तुरंत याद कर लेगा गुट्टी है वो पूरी तरह से बच्चों में बिल्कुल तुरंत याद कर लेगा बाद में बहुत मजे एक उदाहरण देगा संकल्प तो बहुत बड़ी बात है संकल्प के बाद तो वो तो आप देखिए नौवीं दसवीं की बात मैं तो पहली की बात कह रहा हूँ संकल्प आदि तो बड़े आप उसकी मानसिकता तो उसमें कीजिए ना पूरी तरह से जब वो गायत्री मंत्र बोलेगा ताली बजाएंगे वो करेगा कितनी अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कहीं किसी मंदिर में गए डॉक्टर साहब के और पुजारी थे वहां पर अच्छा और उन्होंने स्वस्थी बात सुनी बोला बाद में मेरी उनकी क्लास नहीं कहीं हो गई क्लास लेने के बाद में मेरी उनकी क्लास तो उनको पता ही नहीं कि भाई क्या हम क्या बोल रहे क्यों जो बाहर जो प्रवीण हमारे काम कर रहे हैं किसी दूसरे को क्या बता संस्कृत का कि भाई क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले मेरा निवेदन कि हम प्राइमरी नहीं शिशु शाला में इसको नाम दिया है शिशु स्तर का जैसे मां की जैसे दूध में बच्चा कुछ पीता है संस्कार की बात नहीं है
वो मानसिकता हम बच्चे में पैदा करें, बिल्कुल पहले करते थे माँ बाप करते, उसको कांगे सुनाते थे, उसको सुनाते थे। आज दूसरे कुछ हमने कैसे धारावाहिक, जैसे आजकल लोग कंप्यूटर बहुत बड़ा सीखते हैं, तो हम रामायण पर है, महाभारत पर छोटी छोटी कहानियां लेकर के उसके जैसे एक वैदिक संवाद है, तो पुराने संवाद है उनको लेकर के थोड़ा की बातें ही करते, पैसा बहुत खर्च होगा और कौन लोग बनाएगा, ये लोग भी अपना कंप्यूटर वाली जो है उसको बोलते हैं शब्द मेरे एनिमेशन, अरे हाँ एनिमेशन उसका भी कुछ ना कुछ किया जा सकता है। तीसरे जो है अब इसमें कुछ ज्यादा एक बार हो जाएगा कथावाद, हाँ इसे मैं लोग ले लूंगा। हमारे यहाँ हमने एक धर्म को समझ लिया है केवल यज्ञ, धर्म को समझ लिया केवल क्या नाम है मंदिर में जाना। ये इस दृष्टि से मुझे कहें तो मैं तो बहुत नास्तिक हूँ, पूरा नास्तिक हूँ, मैं तो 15-15 छोड़ नहीं जाता, बिल्कुल सीधी है घर में बड़े बड़े पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि ये क्यों नहीं किया हुआ, ये तो अतिवादी लोग हैं जो धर्म का जो चिंतन पक्ष है जो अध्यात्म विद्या है वो हमारे कारण दूसरे से काम नहीं, कर्मकांड तो एक पक्ष है ना हमारे धर्म, मगर अब कर्मकांड ही पूरा हावी हो रहा है वस्तु पर, सत्यनारायण की कथा होगी और उसके अंदर कुछ एक ऐसे अति प्रसंग हम आ गए सोच करके, वो पुत्र एकादशी का एक व्रत करने कई बार हम इसका खंडन भी करते हैं, वो करते पर कितना खंडन हो गया उसके अंतर्गत जो है ना कि भाई मोक्ष मिल गया, जैसे मोक्ष तो ऐसा हो रहा है जैसे कहते हैं अपना वो सब्जी मंडी से करके सब्जी खरीदना हो जैसे, तो थोड़ा सा हमने वो बात करें कि एक अति लोक मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, हर चीज ये दोनों ही चीजों का फायदा लोगों को उठा रहे हैं और सर्व जगह भी खड़ा रहे हैं, दूसरे जो समझों में जाना पड़ता है किराया था, किराया था मेरे बाप की और उसकी क्या नाम है सामाजिक समरसता कानून में कहते हैं सेनापति का बेटा है वो, तो इस तरह की जो भ्रांतियां भी हमारे जिनका हमें निराकरण करने के लिए एक चेक है उस विद्वत परिषद को पुनर्जीवित किया जाए और अपने अपने स्तर पर एक एक पक्ष को लेकर के सनातन धर्म के पक्ष को लेकर के हम कुछ काम करें, परिचर्चाएं करें, उससे कुछ निष्कर्ष निकले, तो मेरा ये थोड़ा सा ये है। नहीं बहुत सही है, हाँ जी सर, कुछ बातें आपने बहुत बढ़िया की है कि लेकिन एक एकम सर विप्रा बहुत और वसुधैव कुटुंबकम, इन ये सारे सिद्धांत को लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो सर बतलाए हैं कि हमें जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो ये सब अच्छी तरह जानते हैं, परंतु आज के जनरेशन के जो बच्चे जो संस्कृत नहीं पढ़ते या नैतिक मूल्यों को सामाजिक या अपने पारिवारिक परिवेश में नहीं देखते हैं, आधुनिक चकाचौंध में है, उनको इस सब से जो है ना और ज़्यादा इरिटेशन होता है कि एक वो देवता बा बहु देवता बा फिर वो सबको एक मानते हैं, तो ज्ञानी जन तो हम समझ लेते हैं कि ये सारी चीज़ें, तो एक जो बात किए थे ना कि हम सनातन धर्म को हिंदू धर्म के साथ आगे बढ़ें तो ये मुझे ठीक लग रहा है। दूसरी बात कि आप पांच या दस, दोस्तों पांच कह रहे थे, मैं कहूं पांच या दस हर एक धर्म की संप्रदाय की देख लीजिए कि उनके कुछ मौलिक सिद्धांत हैं और उस सिद्धांत के इतर कोई भी नहीं जाने की कोशिश करता, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हो, एक मुस्लिम है तो उसको वो जो शास्त्रोक्त नियम है उस नियम को चाहे पढ़ा लिखा है उतना ही फॉलो करता है, तो अनपढ़ है उतना ही फॉलो करता है। हमारे लिए समाज में क्या है कि पढ़े लिखे वर्ग के लिए ये चीज है,
अनपढ़ के लिए जो है वो ऑन तो ये चीजें जो है उसको एक मत से और ये सबको संक्षिप्त रूप देने की जरूरत है कि संक्षिप्त रूप में सरलीकरण करके आम लोगों की समझ में आए कि हम इस रास्ते के लिए जैसे कोई भी मुस्लिम है वो अपने नमाज जरूर पढ़ता है तो कुछ ऐसे बेसिक चीज जो है ना जो हमारे हिंदू के लिए जो सबके लिए हो जो सिर्फ ब्राह्मण बाद बन के ना रह जाए वो सभी जाति संप्रदाय के ऊपर ही वो लागू हो तो ये है सर्वमान्य। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप जो कह रहे थे सर्टिफिकेट कोर्स की बात मुझे बहुत बढ़िया लगा ये बात कि मैं कहीं जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक मौलवी मिल गया लड़का मिल गया उससे मैं पूछा यही तो ये सब बातें वो उसको जो मैं अपने हिंदू अपने धर्म के बारे में बतलाया तो वो क्या कहता है उसको जानने में यकीन नहीं है वो जानने में यकीन नहीं बिल्कुल वो मानने में यकीन रखता है कि हमारे यहाँ तो ये नियम है इसके अलावा कुछ है नहीं हम उस नियम से बाहर नहीं जा सकते वो निष्ठा। दूसरी बात कि वो जो मौलवी था वो मुंबई में किसी जगह पे पढ़ा रहा था तो मैं कहा कि तुम वहां जो पढ़ाते हो क्या किए हो तो कह रहा सर हम लोग मैं डिप्लोमा किया हूँ और इसके बाद मैं वहाँ जो मस्जिद है वहां पे मैं नमाज करवाता और जो जो चीजें हैं उनके धार्मिक चीजें हैं वो अनुष्ठान करवाता हूँ तो वो उन लोगों में पर एक पर एक कोर्स है जो वो करते हैं और करने के बाद हमारे हमारे एक जमीन खरीदने के नाम के नाम पे समस्याएं तो बहुत है निश्चित बहुत समस्याएं हैं समाधान की ओर जो दृष्टि यही बात मैंने आज से की थी। इस बार तो प्रश्न किया कि बाइबल है बाइबल में सात एलिमेंट्स दिए हुए हैं कि कोई भी हो उन्होंने सात नीतियों को फॉलो कर कुरान में बिल्कुल ठीक है कि भैया इसके घर में जाना है इसके घर में जाना तो यही प्रश्न मैं इससे पूछता हूँ कि मेरे पति आपसे ये पूछते हैं कि पहले तो हमने सिंप्लीफाई रखी ये धारणा कि मैं महाभारत पढ़ूं मैं रामायण पढ़ूं मैं क्या पढ़ूं मैं वेद पढ़ूं मैं पुराण पढ़ूं जिससे कि मुझे ये लगे कि मुझे कुछ ज्ञान हो रहा है मेरा मैं विद्वान नहीं हूँ ना मुझे सस्ते का भी है ना मुझे कुछ ज्ञान है लेकिन मेरे एक जो इस वक्त प्रश्न है जो बच्चों के द्वारा मुझे हिलाया गया है कि हमें तो भैया ये बता दो कि हाउ आई कैन क्लेम दैट आई एम हिंदू मैं समाज में खड़े होकर ये कहूँ जैसे ईसाई कहता है मैं इस तरह के ये हूँ तो मुझे ये बताया जाए जो इंटेलेक्चुअल बातें हैं वो बहुत अलग बात है वो आप इस तरह पे हो सकते हैं इसके ऊपर ये बच्चे को मैं कह रहा हूँ अगर कोई अभी क्वेश्चन जो बता रहे थे कि IIT गए गए और वहां पे अपने बच्चे पूछे गए यही सवाल मैंने पूछा कि मुझे देश के बच्चे पूछे गए ये आज घर घर की समस्या है ये आज घर घर की समस्या है क्योंकि हमारे घरों में भी लोगों को हमारी माताओं को बहनों को भाइयों को कोई बहुत ज्यादा दिशा में कि पांच शब्दों में बता दो कि भैया वट इज नाकम जमा वट इज हिंदुइज्म वो मेरा तो यहाँ से यात्रा शुरू हो रही है कि पहले तो भैया हम ये पांच शब्दों में बता रहे कि ये क्या है उसके बाद हम उसको जितना मर्जी मॉडिफाई करें बिल्कुल बेसिक लेवल से हम ये चीजों के दिमाग में डाल रहे हैं। देखिए हमारा डिजनरेशन हुआ इसमें नो मिला मुझे अपने दिन याद है कि पहले स्कूलों में जब प्रेयर हुआ करती थी तो उस वक्त मंत्रों धीरे धीरे आपके बात को कहते हुए कि हाँ गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि मदरसों में तो थोड़ी बड़ी पढ़ा होगा लेकिन भैया आप इस तरह का श्लोक जो है वो स्कूल में नहीं पढ़ा सकते
उन्हीं चीजों को हम ये चाहते हैं कि एक बार दोबारा से आप लोगों के साथ प्रयास से जो है सनातन धर्म, हाँ सनातन धर्म को आप एक एक ही कॉन्सेप्ट से पुरुषार्थ से ही डिफाइन करो ना। आप कोई विश्वास वाली तो कोई बात नहीं है, वेद को अगर हम कहें कि हम मुसलमानों की तरह वेद को भी उसके बराबर रख के मान लेंगे वो नहीं बात। पुरुषार्थ को जो फॉलो करता है वो सनातन धर्म, वही हिंदू, वही भारतीय। ये उन बच्चों के लिए, उन बड़ों के लिए जो पुरुषार्थ के, पुरुषार्थ के प्रेम में जो कुछ होते हैं, तो इसको ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जो हमने फॉर्मेट बनाया है, ये 24 पॉइंट्स जो हैं, ठीक है ना। तो हिंदू तो मानेंगे, अभी प्रपोजल हम बना करके दें और लार्जर स्केल पे इसकी डिस्कशंस हो हर इंस्टीट्यूट में, हर पहलू से आप ये पॉइंट्स बना करके जितनी भी संस्थाओं को हो सकते हैं उनको आप भेजें कि अपनी प्रतिक्रिया दो। तो बना देते हैं पूरा, हमारी घर से ही समस्या है। तब हम घर को नहीं सुधारेंगे, अपने घर को बचना, आप अपने घर को सड़को, तब ये समस्या आती है। चलिए पहले तो गुरुकुल हुआ करता था, कहते हैं इतिहास, कहते हैं पूरा गुरुकुल था, संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य होता था, उसमें संस्कृत की शिक्षा देती थी, हर घर में संस्कृत के विद्वान थे। बच्चों को जब वो बोलने लगता था गोदी में लेकर के माँ बाप दादा जो भी, वो सबके के श्लोक उसको उच्चारण कर। मेरे गाँव में पंडित जी मेरे गुरु थे, वो कहते थे कि मेरे पिताजी ने मुझे गोदी में लेकर के अमरकोश रखवा, तो पूछते थे क्यों रखवा रहे, इससे फायदा क्या है। तो पिताजी ने उनको कहा कि अभी कुछ नहीं कर देगा, अभी तू केवल रट लो, केवल रट लो, बाद में पता है। तो जो पूरा अमरकोश रख लिया अगर उनकी शिक्षा में आए तो वो सारा और समझ जाते थे। तब उनको ज्ञान हुआ कि ये इसलिए वो पिताजी मुझे रखा। हर घर में संध्या करते थे, आप मुसलमान की चर्चा किए हैं कि टोपी पहन करके हो जाते, वो टोपी नहीं उतारे कहीं भी जाए, और आप तिलक नहीं करते, हम तिलक नहीं करते, क्यों लाभ होगा। ओहो मुझे कहेगा ये पंडित क्यों नहीं, मैं एक दिन जा रहा था यहाँ गाड़ी से, एक व्यक्ति ऊपर था, हमें तिलक किया, मुझे कहता है यहाँ भी कर लो, यहाँ भी कर लो, मुझे यहाँ तिलक किया हो ना, यहाँ भी कर। आर समाज में गए, मैं पढ़ता था दिल्ली में, आर समाज के स्कूलों में वो टीचर के लिए बहाल करते हैं, तो मैं गया इंटरव्यू देने, पास कर गया, वो पूछते हैं कि ये तिलक क्यों किया, तिलक उतार गया, मैं तो नहीं उतार, ये बताओ आपके पिताजी आसमान में थे, मेरे ना पिताजी थे ना दादा थे कोई भी, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, आपको नहीं तिलक उतार दिया तब हम, पर ये तो उनमें ये हो गया कि तिलक हमारे घर में पहले संध्या करके अगमर्कन किसी को नहीं आता, हर घर के अगमर्कन अगमर्कन याद करते थे, पाठ करते करते याद हो जाते, लेकिन हमने हमें लगता है कि 90% पंडित जी को ये आता नहीं, ये उच्चारण भी नहीं कर पाए। ये सबसे पहले हमारे घर में हमें अपने बच्चों को नहीं कहते कि ये पाठ करो, केवल
वही गुरु जी ने कहा कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को याद करते हैं, पूछेंगे कि आपको सुनाओ पोएम सुनाओ, तो पोएम के नाम पर ट्विंकल ट्विंकल सुना देंगे, श्लोक नहीं सुनाएंगे। तो ये हमारे गार्जियन हमारे अभिभावक का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को कहे कि तुम श्लोक सुना, आइए गीता का पाठ करो, सुनो, पाठ करते करते याद हो जाता है, याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी श्लोक दे दीजिए। जैसे गुरु जी ने कहा कि एक पाठ्यक्रम बनाइए और वो पाठ्यक्रम के अनुसार सुना जाए, वो भी ठीक है कि पाठ्यक्रम बना करके आप दे दीजिए कि इतना आपको तो कहीं मिनिमम से शुरुआत तो करें ना। अब ये तो कह रहे हैं हर घर में संस्कृत रटने की बात, अब जो है ना इस अब ये बढ़ गया है, ये जो है आप हम पैकेज पर तो ध्यान देते हैं, हमारे बेटे का 50 लाख का पैकेज, अरे उसको एक श्लोक भी नहीं आता इसलिए बाहर जवाब नहीं दे पाता, बोध मिलता है तो बोध उसको हरा देता है, अपने धर्म के प्रति रिजिड होना चाहिए, है ना, ये नहीं कि हम स्पीड दिखा के भाग रहे, अरे उनको तलवार भी दिखाओ, जरूरत है आज के समय में तलवार भी रखो अपने पास, तभी ऐसा बच्चे ये तो अलग 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 थोड़ा इशू हो गया। दूसरी बात ये जो है ना हमारे घर में पहले सनातन धर्म की जो बेसिक नॉलेज है उसको तो पहले हर घर में जाना चाहिए, हर घर में चाहे हमारे शिक्षा के माध्यम से जाए, सनातन धर्म शिक्षा परिषद जो भी है बोर्ड है, सबसे पहले हमारा नित्य कर्म जो है हर घर में जाना चाहिए, भाई नित्य कर्म को थोड़ा सा मैं इसमें एक तरह से बीच में टोकता हूँ, बस एक मिनट के लिए, देखिए हम नित्य कर्म हो ठीक है मगर वो नित्य कर्म की एक ही पद्धति हुई है, बच्चा मैं कहता हूँ बच्चा करते हैं संध्या, संध्या का वो नहीं जैसे हम करते हैं सत्कर्म बोलते हैं कैसे आचरण करना है पृथ्वी पूजन करना, वो मगर मैं ये कहता हूँ 90% बच्चे करते हैं, अगर वो अपने घर के मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ रही है दीपक जला रही है दीपक क्या नतमस्तक होगी, समझा मेरे पति को आपका फल पड़ गए संस्कार है उसके, ऐसा नहीं है कि केवल संस्कृत का श्लोक पढ़ने से ही ऐसा होगा, बहुत सी मूक साधनाएं उसको कुछ पढ़ाया नहीं जाता, तो इसलिए केवल हम इसको यहाँ तक नहीं, हमें केवल ये है कि जैसे अपना टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हम संस्कृत के नाम पर टेक्नोलॉजी नहीं छोड़ सकते, टेक्नोलॉजी के नाम पर संस्कृत नहीं छोड़ सकते, दोनों में समन्वय कैसे हम उद्योगीकरण नहीं छोड़ सकते, वो भी हमें छूट नहीं देगा, वो भी तो हानि है पहले उद्योगीकरण नहीं है, हम केवल संस्कृत का मतलब केवल कर्मकांड नहीं है, केवल ज्योतिष नहीं है, आयुर्वेद कहाँ गया, धनुर्वेद कहाँ गया, शल्य चिकित्सा कहाँ गई, मेडिकल साइंस आप अथर्ववेद देखिए, अथर्ववेद के अंदर इतनी अधिक मेडिकल साइंस है, कुछ गले नहीं है मेडिकल साइंस, बेहद मेडिकल साइंस भरी पड़ी है, और मैं तो ये हो सकता है इसके ऊपर कुछ लेखन का कार्य मेरा चल रहा है, इतनी जबरदस्त ये जो सूक्ष्म संहिता और कहते तर्क संहिता आई है ना इसका आधार है भी अथर्ववेद, मगर ये काम तो साधारण व्यक्ति नहीं करेगा, ये काम तो हम लोग पढ़ेंगे ना संस्कृत के विरुद्ध, मेरा ये मानना है बिल्कुल संस्कृत का प्राध्यापक इंक्लूडिंग माइसेल्फ बिल्कुल एक नंबर का आलसी एक नंबर का कामचोर है, ये हमें मानना चाहिए, हमारे संत हमारे पंडित बिल्कुल अपने सनातन धर्म का बाजारीकरण कर रहे हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा, और ये बात मैं ध्यान नहीं रखा तो मीडिया में तो मैं स्टेज पर कहता हूँ बिल्कुल स्टेज पर कहता हूँ, और हमें इस गंदगी को हटाना होगा, आत्मविश्लेषण पहले करना होगा, बिल्कुल करना होगा आत्मविश्लेषण करना होगा, तो थोड़ा सा ये कि भाई संस्कृत के हम तो वो तो एक छोटी सी 20-25 श्लोकों की 10-20 श्लोकों की एक पत्रिका से बना दी जाए, और हाँ संध्या वंदन होना चाहिए मगर उसका रूप अलग हो, एकम सर दूसरा बंदा मेरा ख्याल है इस ठीक है आपकी बात, लेकिन अब ये है कि इसको थोड़ा सा समेटें कि भी करना क्या है, क्योंकि ऐसे तो हम बोलते रहेंगे कि हमसे कुछ यहाँ चर्चा हो चुकी, उसके ऊपर मूल रूप से जहाँ से डॉक्टर ने उठाया था बिल्कुल यही पॉइंट है कि हमें बच्चों का शुरुआत से ही बेस पूरा सनातन धर्म को लेकर बनाना चाहिए,
कहीं तक की जो चूक हुई है हमारे बेसिकली वही हुई है। बहुत सारी चर्चा अभी भी उसके ऊपर दिमाग में किया जाएगा चर्चा कि एक पीढ़ी हमारे यहाँ से छूट रही है, हम शुरू करते हैं तो अभी जो नर्सिंग एज में बच्चे हैं उनके लिए हम बातचीत करते हैं, लेकिन उनके आगे जो निकल चुके जो अब दसवीं के बाद निकल चुके और शादी की तरह करीब पहुंच गए, उस वाली पीढ़ी को कैसे पकड़ा जाए? सबसे बड़ी चुनौती उस पीढ़ी में आपकी कॉलेज में पहुंच चुके हैं और अब हमारे हाथों से एक तरह से निकल चुके, जो निकल चुका है वो कहाँ हमारे हाथ में आएगा एक प्रश्न के लिए। दूसरी बात मूल रूप से जैसे हमने बात की थी कि आर एस समाज के लोग हैं वो धर्म शिक्षा के नाम पे देते हैं, मैं बिल्कुल सनातन धर्म स्कूल से प्रिंसिपल कॉलेज मेरा आगे बढ़ गया, दोनों संस्कृतियों को मैंने पूरी अच्छी तरह से जाना है। स्नातक स्कूल में प्रेयर होती थी हर रोज और हमारे स्कूल के अंदर ही मंदिर बनाया गया था सरस्वती का, सरस्वती का मंदिर पर आपके हाउस बनते थे, हाउस बन के उसमें एक जो उसका हेड होता था उसकी ड्यूटी होती थी सनातन धर्म मंदिर में कि तुमने आधी छुट्टी के टाइम के बाद जो 15 मिनट का समय होता है वो अंदर जाके सरस्वती की पूजा करनी है, एक एक आश्रम को वहाँ पे बढ़ाया जाता था। आज भी आर्य समाज के लोग एक क्लास को बिठा के यदि मुर्ती लड़ी होने और पता चल रहा था भारतीय के मैदान में तो वो भी एक एक क्लास को बिठा के कवन करवाते और उसमें बच्चों को शिक्षा देते हैं कवन करने की, जबरदस्ती उनसे मंत्र बुलवाते हैं, यहाँ तक कि मैं ये कहती हूँ अध्यापकों के लिए भी हमें करना पड़ेगा, जब हम पढ़ते हो कि मास्टर लेते हैं कि हमें तो समझाएं टीचर्स का एक सेमिनार पड़ेगा, उससे टाइम को मेरे कम से कम ये हुई के लिए पड़े सारे स्कूलों कि आप हमें आप मेरे टीचर की एक सेमिनार करने की बात है, हम टीचर्स को ये समझाएं कि तुम बातों ही बातों में जब भी हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ऐसा भी 10 बातें हम उनको धर्म से संबंधित बताते हैं या नैतिकता से संबंधित बताते हैं, मुझे बाकी टीचर्स का पता नहीं, इंग्लिश वाले लोग कंप्यूटर वाले लोग जानते लोग बात करते हैं नहीं करते, हम हिंदी वाले लोग की तो बात जब हम पढ़ा रहे होते हैं दसियों बातें ऐसी आती हैं कि उसमें हम सनातन धर्म की चर्चा उनके बीच में अनायास ही चली जाती है, वो बहुत जरूरी है, पर उसके लिए उसके आने के लिए अध्यापक वर्ग का उस तरह से शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात अभी हो रही थी कि लेक्चर से कुछ नहीं बनेगा, टीचर्स को लेक्चर दिए जा सकते सेमिनार से ही होता है, अदरवाइज हम सोचते हैं लेक्चर में कुछ नहीं होगा तो सेमिनार का कोई फायदा नहीं होगा। एक दूसरी बात जो धर्म शिक्षा की बातें सारे डीएवी वाले अभी भी दे रहे हैं, यहाँ तक कि सत्याग्रह प्रकाश का कॉम्पिटिशन टीचर्स का करवा है, डीएवी में सत्याग्रह प्रकाश का कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं टीचर्स, जब टीचर इसको सब पढ़ेंगे तो उनकी बातों की बातों में वो आएगा, मैंने कहा तो पीढ़ी हमसे छूट रही है, उस पीढ़ी के छूटने बनकर आ रहे हैं तो हमें इस प्रकार के की प्रतियोगिताएं इस प्रकार के कॉम्पिटिशन जो धर्म से संबंधित होंगे वो हमें अध्यापक वर्ग के ही रखने पड़ेंगे। अभी हमने कहा ना कि पंडित जी लोग ऐसा बोलते हैं तुमको हमें ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, हम टीचर्स को सर्टिफिकेट देंगे, ह्यूमन राइट्स वालों ने अभी कितने प्रोग्राम किए उन्होंने सारे सर्टिफिकेट्स अपने लोगों को दिए और जिन्होंने सत्याग्रह प्रकाश के ऊपर कॉम्पिटिशन किया डीएवी वालों ने उनको सर्टिफिकेट्स दिए इस कॉलेज में पढ़ते हुए भी मैंने ये देखा इस विषय के ऊपर जो है वो भाई आई है और असेंबली होती है और भी एक नीचा इंडिया की गलत चीजें हमने देखी है आलना आपने कहा है चाइना में बहुत बड़े रहे हैं तो उसमें हम लोगों को ये लगता है कि आप लोगों ने कहा है कि हमें इसे शुरू करनी है भारत से शुरू करनी है, हम ये भी बताते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन टारगेटेड हो इसके लिए
तो उसको एक किस्म का साइलेंटली जो है वो शुरू करना है। हम लोग क्या करते हैं उसके लिए चरित्र निर्माण शिविर के नाम पे शिविर लगाते हैं हर वर्ष। तो एक सप्ताह का छह दिन का चरित्र निर्माण शिविर है, दो घंटे के लिए है। दो घंटे में तीन चार लोगों को अपने धर्म से संबंधित बोलने के लिए कहा जाता है और बच्चों को पहले भी कह दिया जाता है कि आप अपने पास कॉपी पेन लिखा रखिए, वो जो भी आपको बताया जाएगा इसमें से आप एक प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं, जब लास्ट डे उनसे प्रश्न पूछते हैं उनको बहुत कुछ क्लैरिटी उसके बारे में हो चुकी होती है। तो कहीं ना कहीं बेस वो बन चुका होता है कि हम उसमें हम छठी क्लास से लेकर दसवीं तक लेते हैं, फिर उसमें हम गीता के श्लोक भी याद करवाते हैं, उनको रामचरितमानस की चौपाइयां भी याद करवाते हैं और बच्चे वो हमें चौपाइयां बोलकर सुनाते भी है, गीता के श्लोक को सुनाते भी है। नैतिक शिक्षा के ऊपर एक एक व्यक्ति को एक कहानी सुनाने को, कभी ध्रुव की कहानी सुना दी, कभी प्रहलाद की कहानी सुना दी, पर एक एक कहानी बाल गीता राय की सुना दी, एक एक कहानी है वो उनको सुनाने के लिए भी कहा जाता है। ऐसी कम्युनिकेशन हम अपने एसके एजुकेशन बोर्ड के माध्यम से करवाते रहे हैं गीता के श्लोक के बारे में, लेकिन अब हम इसको थोड़ा जितने भी हमारे ये नियम तो है कि अपने बच्चों को जाने के मॉडल जो है कहाँ से आया है? फैमिली डिबेट्स में एक भी आपकी भारतीय वैल्यू नहीं है वैल्यू में। लेकिन एक भी वैल्यू नहीं ली गई, जबकि आज जब देश में ऐसी स्थितियां बन चुकी है, आज जब हम इसी के खड़े वो हम लोग मिलकर बैठे परिभाषा जी आप कुछ कह रहे हैं और
और गीता पढ़ते आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं गारंटी दे रहा हूँ। मतलब उन्होंने ये बात की इसकी मैं गारंटी देता हूँ और इतनी अच्छी उन्होंने उत्तर दिए हैं मतलब उनके पूरे उसके जीवन में। और वो शर्त क्या उसको कह रहे कि होगा सनातन धर्म में इतना दम है कि आप बस श्रद्धा और विश्वास से इस पर काम कीजिएगा या आपका काम होगा। तो वो गीता का श्लोक भी ये करते कि श्रद्धा मान लगते ज्ञान कि जब तक आपको श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपको ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो पहली सीढ़ी है गीता के ऊपर भी उनका जीवन समर्पित है। स्कोन वाले जो है भगवत गीता को लेकर ही स्कूल से उनका सब कर रहे हैं। परंतु ये जो प्रश्न है मुझे लगता है कि इस सबसे थोड़ा हटके ये पहले पहली बात किताबों को लेकर के जो बाल भारती है उनकी किताबें हैं फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक शिक्षा की ही है। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी सब जानते हैं क्षेत्र में वो इसी डिपार्टमेंट आफ्टर रिटायरमेंट को इस चीज को परीक्षा को करवाते हैं कितने बाल भारती जो स्कूल है उनमें विद्या भारती वाले तो उनमें वो ये परीक्षा करवाते हैं। और उन्होंने फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक ये हिंदू धर्म से संबंधित जो है बाल भारती मैटर और किताबें बनाई हुई है। तो पूरा सेट एक मैं मेरे यहाँ से खरीदा भी था मेरे पास है। तो मैंने सोचा था कि और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी कि अपना नहीं यूट्यूब पे सच भी होता है झूठ भी होता है लेकिन एक वीडियो मुझे नाम याद नहीं है लेकिन वो बड़े प्रमाणों के साथ ही कह रहे थे कि ये हमारे देश में बहुत से लोगों को ये जो ईसाइयों की संस्था है ये हैंडल कर रही है बल्कि साधु भी इसके अंदर है द्वार दलों की सेवा हो रहा है ऐसे और तो उनके मेंबर्स जो है हमारे देश में भी 22,000 उनके मेंबर्स बने शायद आपको उन्हें भी किसी ने वीडियो देखा होगा आपने। तो वो मतलब उसमें ऐसा कि नाम नहीं बल डॉक्टर राधा कृष्णन मोतीलाल नेहरू और ये राधा राजेंद्र प्रसाद जो फैलान जाते हैं विवेकानंद को उन्होंने मेंबर बना लिया था। तो अभी हमारे देश में भी कन्वेंशन हुई है जिसमें कि वो सदगुरु उसमें शामिल हुए उन्होंने भाषण दिया उसके अंदर। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि उनको पता है कि हिंदू जो है बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञा है वो आसानी से अपना धर्म नहीं छोड़ेगा लेकिन उसको वो लाइट करने की कोशिश करें। पहले तो वो अपने धर्म को उठा दे जाए अब सदगुरु के वहां हमने विजिट किया हुआ है तो वहां पे उन्होंने जो शिव का वो रखा हुआ है वो हमारे शिक्षक नगर नहीं है वहां पे उन्होंने अपने सेंटर हॉल में कम से कम 10 फुट ऊंचा 15 फुट ऊंचा 12 फुट ऊंचा होगा शिवलिंग बनाया हुआ है उसमें कोई जल नहीं चल रहा है कोई पूजा नहीं उसके चार सौ दिए जला के रखे हुए हैं और लोग वहां पे ग्रुप जाते हैं और वहां पे मेडिटेशन करते हैं। जैसे 10 मिनट को चला गया वो 10 मिनट मेडिटेशन कर रहा है आगे मंदिर के बैठा वो बाहर आ गया नेक्स्ट ग्रुप चला गया वो है रुद्राभिषेक नहीं है वो नहीं है अभिषेक नहीं है ठीक है। और उनकी ईश ये जो ईश संस्थान है ईशा फाउंडेशन हां और जो उन्होंने मूर्ति लाई है जो कि सब जगह दिखाई देती है वो शिव शंकर ने क्या आदि योगी तो उसको लाइट कर रहे हैं हिंदू धर्म को।
अब दूसरी चीज ये है कि आप देखिए कि आजकल बौद्ध धर्म का कितना प्रचार हो रहा है, हमारे ही दोस्तों में से कई फैमिलीज में हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम बुक चैंटिंग कर रहे हैं, और वो बुद्ध जो मंत्र है अब अपनी चैंटिंग के अब एक फैमिली में हम गए मतलब बिकॉज शौक अगर हमने बुद्धि चैंटिंग कर ली तो क्या हो गया, लेकिन मोटी बात ये है जैसे आलिया जी ने कहा उनकी बात को मद्देनजर रखते हुए पिछली मीटिंग में जो लॉगिंग हुई हमने अपने सभी स्कूलों के प्राचार्यों को कहा कि आप अपने टीचर्स को गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करें, आपके यहाँ जो चीफ गेस्ट आते हैं उसको आप मोमेंटो के साथ में गीता भी दें। एक समय ऐसा था कि इसी महाविद्यालय में हम कन्वोकेशन में डिग्री के साथ में बच्चों को गीता भी दिया करते थे, लेकिन उसमें ठीक है बहुत से बच्चे अपनी सीट पर छोड़ जाया करते थे। मैं ये मानता हूँ कि ठीक है अगर 500 में से 100 छोड़ भी गए तो 400 के पास तो पहुंच गए, लेकिन वही बात की गीता को भी सिंप्लीफाई करके प्रोजेक्ट करने की जरूरत है। मैंने खुद मेरे ख्याल 16-17 बार गीता पढ़नी होगी और आज भी मुझे गीता उतनी ही कहते हर बार नहीं लगती है कि कुछ ना कुछ नए रूप में जो है वो उभर के आती है। हम बिल्कुल जो हम कहते हैं कि नॉविस है जिसको कुछ नहीं पता सनातन धर्म का हिंदुइज्म का, उसको जब हम सडनली ये कहते हैं कि तू गीता पढ़ ले तो वो गीता के पहले अध्याय के ऊपर ही जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। पहले अध्याय तो इसमें क्या पढ़ना है, मैं अपने बच्चों के लिए इंग्लिश वर्षन और डॉक्टर राधा कृष्णन की जो कमेंट्री ऑन द गीता वो भी लेके गया, आई टोल्ड दैट कि इसको पढ़ो इसमें तुम्हारी बहुत सी इट इज नॉट रिलीजियस बुक बट इट विल सॉल्व योर डे टू डे इश्यूज। पहले तो टीचर्स को तैयार करना पड़ेगा मॉर्निंग असेंबली में बोलने के लिए, तो टीचर्स को तैयार करना पड़ेगा। आज की डेट में भी विदाउट रिगार्ड्स मैं भी शायद उसी स्थिति में था कि अगर मैं टीचर को एक्सटेम्पोर बोल दूं कि आज आप मेरे कहते असेंबली में कुछ बोलना है तो शायद वो नहीं बोल पाएंगे। वी टेक दैट पॉइंट कि उसके लिए हम ऐसे प्रिंसिपल से बात करते हैं वो इतना काम कर रहे हैं वो इतना काम कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में हम भी तो देखे हैं देख रहे हैं हां बहुत है। आप ये देखिए कि हमारे इनर बीइंग को उन्होंने स्ट्रेंथनिंग दिया है, हमें ये मतलब इंस्ट्रक्शन आई है डिस्ट्रिक्ट से कि वो उनकी यात्रा चली हुई है रैली चली हुई है और वो यहाँ अम्बाला से निकलेंगे और यहाँ पे शायद वो यहाँ तो आप 15-20 कारें लेके और उस रैली को जो है अगर वो इतना चाहे वहाँ लेके जाओ उनको ना अटेंड करो उनके साथ पूरा किसी को क्यों मेहनत जा रहे हमारे पैसा कोई उसमें समाज जनता जो है ना कहीं ना कहीं जुड़ना चाहती है और जब उनको कहीं नहीं मिल रहा है अब हम कुछ नहीं रहे कैसे जुड़े हमारे छोटी छोटी संस्थाओं विष्णु जी कुछ सर विष्णु जी कुछ कहना चाहते हमारी जो चर्चा का मुख्य उद्देश्य जो है मैं समझ रहा हूँ वो यही है कि सनातन धर्म में जो दिक्कतें आ रही है आज अपनाने के लिए उसको किस तरीके से समझा जाए उसको किस तरीके से लागू किया जाए इस पर चर्चा है।
ये जो समस्या है कि सनातन धर्म में इसको विकृति का है या बदलाव का है, ये दो चीज है। और ये चीज कोई नई चीज नहीं है, ये अनादि काल से चलता है, जो हमने देखा आप लोग सभी समझते होंगे। ये सनातन धर्म वास्तव में सनातन धर्म एक पद्धति है, जीवन पद्धति, और बाकी जितने भी हैं वो धर्म नहीं है बल्कि संप्रदाय है। धर्म तो वो होता है जो चूहे की तरह सिखाता है, और जो धारण करने जो होता है जीवन में, जन्म से लेकर के लोक के पर्यंत हमें क्या करना है और इस लोक में क्या करना है, दूसरे लोक के लिए भी क्या करना है, वो जो करने योग्य कार्य है वही सब धर्म है। हम केवल पूजा पद्धति को धर्म मान लेते हैं, पूजा पद्धति उसका एक मूल है, वस्तुता पूरा का पूरा जो जीवन शैली है, जो जीवन पद्धति है, जिसको हमने शुरू से लेकर आगे तक निभाना है, वो धर्म है। इस धर्म को एक नए कोई भी पंथ हो, कोई भी संप्रदाय हो, तो मना नहीं कर सकता। जीने के लिए जो भी कुछ चाहिए, सत्य सबको बोलना है, सभी हरे संप्रदाय वाले मानते हैं, जीवन के लिए हमको भोजन करना है, सबको सबको पता है, तो सभी करिए। हमको प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा, ये हरे को ही मानेगा। तो ये पद्धति अलग है, संप्रदाय अलग है, तो चीज है। और जो शुरू से पहले भी ये होता आया है कि जब हमारा सनातन धर्म प्रारंभ से करा और उस समय चलते चलते जब इसमें उसके अलग अलग अपने अपने ढंग से व्याख्या होने लगे, जैसे आज हो रही है, नए नए संप्रदाय व्याख्या करके एक एक चीज को लेकर के अपने व्याख्या करके नया नया संप्रदाय बना रहे हैं। उस समय पर भी यही हुआ कि लोगों ने अपने मन से व्याख्या करके वेद के मंत्रों को लेकर के उसका जो कर्मकांड का भाग है उसमें भी विकृति आ गई, जो जिसको आज भी विकृति है, लेकिन जितनी विकृति आ गई जिसको हम पूछते हैं कि भाई इसमें ये कह दिया, इसमें ये कह दिया, वो उस समय पर ही था। और जब हुआ तो उस समय पर एक हमारे भगवान ने अवतार लिया, जिसको बुद्ध अवतार कहते हैं, 24 अवतारों में उसको भी भगवान मानते हैं, भगवान का अवतार मानते हैं, भले ही उनको हम उनके सिद्धांतों को स्वीकार बाद में नहीं करते, लेकिन उस समय उन्होंने केवल और केवल एकमात्र यही उद्देश्य रहा कि जो हमारे जो कर्मकांड की पद्धति जो विकृत होती जा रही है इसको कैसे रोके, और उसको रोकने के लिए उन्होंने खंडन शुरू किया, और खंडन शुरू करके अपना एक बौद्ध मत स्थापित किया, बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, वो वस्तु धर्म ने संप्रदाय। उस समय पर वो जरूरी था उस संप्रदाय को, नहीं तो वो पूरा खंडन हो रहा था। और जब वो बौद्ध धर्म का इतना ज्यादा प्रचार होने लगा कि पूरे विश्व के अंदर प्रचार होने लगा, तो पता लगा कि सनातन धर्म वस्त में चला गया। तो हमें भगवान शंकराचार्य हुई, उन्होंने फिर बौद्ध मत का खंडन किया, और खंडन करके फिर अपने वैदिक धर्म का प्रतिपादन किया, वो बैठी धर्म की सनातन धर्म। शंकराचार्य ने स्वयं लिखा, जंतु नाम नरण गोलवता उत्सम तत्व भूतता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग करता विकृत तुम्हारा समाप्त है। वो बैठी धर्म सनातन धर्म वास्तव में बैठी धर्म है, और बैठी धर्म क्या है कि वेद प्रतिपादन धर्म है वो ही बैठी धर्म, और वो बैठी धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं, कोई दूसरे चला आ सकते। तो इसमें जो आज विकृति है वैसी प्रक्रिया चलती चली आई है, आज हम इसीलिए बैठे हैं कि इस विकृतियों को कैसे रोका जाए। अभी बात कर लेते हैं बड़े जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चों के लिए, तो आपने देखो मुझे ने कहा कि हम उनके लिए ऐसे बनाए योजना तो उन बच्चों को सिखाया जाए, ये इस तरह ये ठीक है। लेकिन हमको मैं जो समझता हूँ वो आप ठीक है या नहीं वो आप देखें, तीन स्तरों पर हमको कार्य करना है इसके प्रचार प्रसार के लिए। पहला स्तर तो यह है कि बच्चों को सिखाए, दूसरा स्तर यह है कि जो बच्चे बड़े हैं तो थोड़ा बुद्धिमान हो गए हैं, जिनको हर बात तर्क से समझ में आती है और वो हमारे पद को तर्क से काटते हैं, तो उनको तर्क से काटने के लिए ऐसे लोग भी होने चाहिए कि जो उनके पूरे वर्तमान पर उत्तर दें और अपने मत का स्थापन करें। शंकराचार्य जी को इसको करना पड़ा था, बड़े बड़े विद्वान थे, कर्मकांड कुमार भट्ट के विद्वान, मंडल मिश्र के विद्वान, उनके पास जाकर के शास्त्रार्थ जाकर उनको परास्त करना पड़ा अपने उद्देश्य और फिर अपने मत में उनको लेकर के आना पड़ा। तो ऐसे भी कुछ लोग होने चाहिए कि जो संगठित करने के लिए इनकी ही बात, जैसे अभी मैडम ने बताया कि सदगुरु वाला हमारे ही रंग को लेकर के उसी भी तरीके से शिवलिंग बना करके व्याख्या करने लगे। मैंने भी एक पर वो देखा था, एक वो ईसाइयों का करते हैं प्रचार करते हैं, वो बोलने वाले ईसाई मत का प्रतिपादन कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि
गले में माला की रुद्राक्ष माला भी लटका ताकि हिंदुओं को लेकर हम दूसरे नहीं है, हम आपके ही है। केरला में उन्होंने तिलक भी लगाना शुरू कर दिया है, माला भी पहनना शुरू कर दी है और उन्होंने चनामत भी देना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे ये है क्या, ये केवल पहले तो अपने तरफ माओ और फिर बाद में इसको अपने पूरे धर्म में मिलाए। एक वो आगत को मत भी है, आगत का मत भी है तो वो अपने आप को ये विष्णु की तस्वीर में भी अपने आप को दिखा रही है, विष्णु भी अभी है सबको समझे दूसरा जो को तो हम अपने वेबसाइट जब ये हमारी विद्वत परिषद बन जाएगी तो हम अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं कि भैया ये विद्वान लोग हैं, आपकी किसी भी जिज्ञासा का जो है ये समाधान आपको दे सकते हैं। क्योंकि आशीष जी को मैंने यही बताया था कि जब सपोज मेरे जैसे आदमी से कोई प्रश्न करता है उसका जवाब आप दे सकते हैं, आपका दे सकते हैं, करके बैठ जाएंगे हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो वो एक प्लेटफॉर्म हम ऐसा तैयार करना चाहेंगे कि जिससे हो गया। तो दो पॉइंट तो आपके हो गए कि ठीक है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उनकी एक मीटिंग बुला के हम एक कॉमन सिलेबस, जैसे मैडम भाटी ने भी कहा है कि वो किताबें हैं हमारे पास की किताबें हैं जो प्रोफेसर श्याम सुंदर द्वारा लिखी गई थी, तो उनको देते हुए हम उनका सबमिशन करके और कुछ और आज की डेट में जो कुछ हमें चाहिए ऐड करके एक बार दोबारा से हम कर सकते हैं। दूसरा ये यात्रा के लिए ये पर्चन भी होगी। तीसरा प्रश्न वो आ गया कि हम जो संप्रदाय हमको निकल चुके हैं उनको और कितने नजदीक ले आए, जैसे अभी मैडम बात कह रहे थे मैडम सहीजा आर एस मार्ग के बारे में कि आप वहां पे वो सब कुछ सिखाते हैं। मैं कई बार अपने डीएवी वाले दोस्तों से आशा करता था कि भैया दिन के वक्त तो आप लोग जो है वो आर्य समाज हो रहे हो, रात को आप हमें जागरण नहीं करना है, सुबह पंडित भेज देना वो आपकी ऐसा नहीं है। बड़ी कट्टर बाध्यता थी कि नहीं आप मूर्ति पूजन नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। अब बहुत सारे साथी जो है वो फ्लेक्सीबल है, ठीक है ना जी। तो वो उसके लिए जो है जो शुरू में सबसे पहले हमने किया था कि चार्टर ये हमारा चार्टर है, इस विषय के ऊपर हम लोग बैठ के बात करेंगे, फिर हम ये जो दो कार्ड मुखिया है जिनको हम बुला सकते हैं वो आगे अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं, फिर हम उसके ऊपर जो है वो चर्चा ये करें। ये बहुत जरूरी है कि हम उनमें से चाहे मेंबर्स को नॉमिनेट करा लें, उनसे बात करें, धीरे 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 बढ़ाएं इस इंटरेक्शन को, एक तो ये, और दूसरा ये है कि जितने भी कॉलेजेस हैं इन कॉलेजेस को हम एक फॉर्मेट बना करके भेजते हैं कि भाई आप लोग अपने स्टाफ के साथ डिस्कस करें और बताएं कि भाई इसमें क्या कमी है या क्या आपकी समझ क्या है सनातन धर्म की, तो कम से कम इफेक्ट तो कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था में कोई ना कोई मॉडल तो चल रहा है, किसी स्कूल के अंदर अच्छा मॉडल हो सकते हैं, यदि ऐसा कुछ है तो हम उसको बेटर तरीके से ले सकते हैं। अपना मॉडल वर्क करने में उसमें टेस्टिंग करने में प्रैक्टिकल शेप देने में टाइम लगेगा, वही है कि जैसे हमारा संस्कृत कॉलेज है हरिद्वार वाला,
तो वहाँ पे बच्चों के लिए कंपल्सरी है कि उन्हें जैसे बच्चे सुबह की आरती शामी आरती में डिफरेंट हमारे मंदिरों में जाते हैं तो उस सारे को मिला के जो है हमें अपना प्रारूप जो है वो तैयार कर सकते तो इसके लिए आज की मीटिंग का ब्रीफ में एक नोट बनाइएगा जिसको हम अपने इंस्टीट्यूशन में भी अपने जो हमारे बाकी के मेंबर्स हैं पूरे इंडिया के उनको भी सर्कुलेट करें मैंने कहा कि वो बच्चों के लिए कॉमन सिलेबस बनाने का उठी हम लोग आज के टाइम मैंने शुरू किया था पिछले साल शुरू किया था कोविड के पीरियड में लेकिन ये बोला था कि कंटिन्यूअस जेडी ना होने की वजह से जो है वो बात नहीं है लेकिन क्या चलिए मतलब ये दो तीन उसके दोनों गोबर खंड है और थोड़ा सड़क का उत्तर दिया बड़े बड़े अच्छे पहले तब ये क्यों रखेगी उसमें पितृ कर्म क्यों करते हैं चलिए ठीक है इसको देखते हैं समाप्त करते हैं और अगली बार के लिए उधार लेके हम उसको कर लेंगे हमें नहीं मालूम था ना इटावा में इस तरह धर्म स्कूल है और 1923 में इतना पुराना वहां पे जो प्रधानाचार्य हुआ करते थे उनकी लिखी हुई वो पुस्तक है और उनके ग्रेट ग्रैंडसन ने या ग्रैंडसन ने किसी वक्त सभा में अप्रोच किया होगा कि ये हम इस पुस्तक को दोबारा प्रकाशित करना चाहते हैं क्या आप इसमें सहयोग करेंगे तो वो इसी वजह से वो वहीं पे फाइल बंद रही तो वो अल्टीमेटली जो है वो मेरे पास पहुंची फिर मैंने उनसे पत्राचार किया उन्होंने मुझे उस पुस्तक की एक दो प्रतियां भी भेजी और मैंने उनसे कहा कि क्या हम इसको सनातन धर्म जमीन दफा या एजुकेशन बोर्ड जो उसमें पब्लिश करते थे नाम वही रहेगा मैंने भी शुरू कर सकते वो मतलब स्कूलों के लिए उन्होंने शौक को पुस्तक लिखी थी और बड़ी अच्छी पुस्तक है आप कुछ कहने का सारे पॉइंट्स मिल गए
वो उसी जमाने की है। डॉक्टर साहब इनकी बात सुनकर के फिर इसको कंक्लूड करते हैं आज मीटिंग। युवा सब आए हुआ करते एक बार से यही कहा है कि गीता का सबसे पहली स्नातक धर्म युवा सभा चंडीगढ़ में प्रोफेसर श्याम सुंदर जी ने ही शुरू की थी और उसके माध्यम से वो सामूहिक सुंदर कांड का सभा जो है उसके बाद जो भी भंडारा हो भंडारा बातचीत की तो उन्होंने तो इनको ये कल भी मिले थे तो मैंने इनको कहा था कि एक बार आप इनसे हमारी मीटिंग करवाओ ताकि हम उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन दे सके जनरलाइज कर सके ये कैसे रहते किस दिशा में काम करना और वो करेंगे और उसी तरीके से जो हमारे अपने सभा के अंदर डायरेक्ट टूल है उनके प्रधानाचार्य उससे भी आप एक मीटिंग 10 दिन में होने वाली है उनको भी मैं कहूंगा कि कम से कम 10-15 बच्चों का एक समूह जो है वो शुरू करें और उस दिशा में भी हम प्रयासरत है कि कुछ ना कुछ वो करता हूँ कि मेरी अब ये होना चाहिए जो यह है कि हमें जो आज की जो पीढ़ी है मेरी पीढ़ी इस वक्त ऐसी है जिन्होंने वो भी देखा है कि जिन्होंने पूजा पद्धति को बहुत नजदीक से देखा है बीच में एक ऐसा टाइम भी आया जब बच्चे मंदिर जा ही रहे आगे क्या मिशन आएगी वो कोई पता नहीं कह सकते तो हमें हमारे पास डिब्बे तो हैं ट्रेन के हमारे पास इंजन नहीं है फिलहाल उन डिब्बों को इंजन चाहिए एक रास्ता चाहिए कि भैया आपने इस रास्ते पे चलना अगर हमें इंजन सही मिल गया तो बच्चे वो डिब्बे ऑटोमेटिकली लाइन पे आ गए अदरवाइज डिब्बे कहाँ जाएंगे पता नहीं यही सर ने मुझे आदेश दिया था कि देर तक वो कुछ बच्चों की टीम बनाओ तो हमारी टीमें लगभग बुकी गाँव में बन चुकी हैं अच्छी टीमें बन गई मैं जल्दी ही रिश्तेदार लेके आऊंगा और उसके साथ साथ मैंने बताया कि मेन तो सभी कर्म होते हैं हर चीज का सर्व आज जो बच्चे हैं उनको समझ नहीं आ रहा अगर हम कोई मंत्र पढ़ते हैं तो उनके ऊपर से निकल जाता है उन्हें गुरुद्वारे जाएंगे तो समझ में आ जाती है लेकिन उन्हें हमारे ग्रंथ में क्या है वो समझ नहीं आता बिल्कुल सही वो चीज अगर जैसे सर ने बताया कि मंत्र होने चाहिए एक बुक होनी चाहिए उस बुक के साथ साथ उसमें उसका अनुवाद वो ये है हम ये कहना चाहते हैं तो शायद उन लोगों के समझ में आ जाए प्लस एक निचले लेवल से शुरू हो बच्चों से जैसा मैम ने कहा कि बड़े बच्चे लोग अब नहीं हमारे हाथ से निकल चुके तो छोटे बच्चों से अगर अभी शुरू करते मेरे ख्याल देर नहीं हुई और जल्दी ही हम लोग इसका अगले आने वाले टाइम में सही उसका देख रहे हैं जी आप इतने सालों से यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको क्या फीलिंग है क्योंकि ये मुझे कह रहे थे कि हम म्यूजिक को धर्म को इन सारी चीजों को आपस में जो है वो जोड़ना चाहते हैं क्योंकि म्यूजिक की एक तरह का अपने आप में सबसे बड़ा आदर है जो जोड़ता है क्योंकि
हमने देखी है कि हम कहते सरल करें सरल करें, मुझे नहीं पता कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, लेकिन अगर दुश्मन के अंदर सबसे अधिक सारे थे धर्म वो इस्लाम का पूरे दुनिया के अंदर, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, जिंदा मार मार करके उनको रखवा दिया और वो सबसे ज्यादा करता है, और जो रटा दिया वो उन्होंने जो रटा दिया वो रट दिया, जो ये कभी नहीं पूछते कि ऐसा क्यों। तो पहली स्थिति तो यही होती है, उसमें लचीलापन नहीं होना चाहिए, मेरा अपना सोचना है कैसे है क्या ये बात की बात है, पहले तो उनको बिल्कुल सख्ती से कट्टरता से उनको सिखाया जाएगा, तभी सीख पाएंगे, तभी बचेगा, नहीं तो लचीलापन लाते लाते तो आज ऐसी होगी। लेकिन जब हम अपने घरों में छोटे बच्चों को मंत्र जब सिखाना शुरू करते हैं तो तब कभी नहीं पूछते, कभी पूछते, लेकिन आप एक बड़ी स्टेज से जब कोई बात करते हैं तो वो उसका पूछते हैं, वो तो है कि पहले सीख लो। बचपन से डाले जा सकते हैं, मुझे याद है कि जब हमने अपने बेटे को स्कूल में दाखिल कराया था चंडीगढ़, तो हम लोगों ने चंडीगढ़ के सारे स्कूलों का सर्वे किया होगा, क्योंकि मेरी शिक्षा कॉन्वेंट में हुई तो मैं आजकल देखिए गेट थे कि भैया मैं बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं भेजूंगा, मुझे प्लस एंड माइनस पॉइंट मालूम थे। वो इंसिडेंटली भवन विद्यालय स्कूल का एक प्रोग्राम देखने का हमें अवसर मिला टैगोर थिएटर में, और हमने देखा कि उनकी पूरी की पूरा फंक्शन जो था वो जो हमारी पंचतंत्र की कहानियां होती हैं उसके ऊपर हम अपने बच्चे को यहाँ दाखिल कराएंगे कि स्कूल में भी कुछ संस्कार किए जाते, और वास्तव में हमारे बच्चों ने स्कूल में भी बहुत से मंत्र सीखे, हमें भी सिखाते रहे, तो मुझे नहीं याद थी तब उन्होंने कभी प्रश्न किया हो, और संस्कृत नहीं पढ़ते थे फिर भी संस्कृत में सिखाए। तो बात तो वो ये कि आज जो हमारी मातृशक्ति हमारे भाई लोग जिन्होंने इस दिशा में सुना नहीं पढ़ा नहीं, वो अपने बच्चों को आगे ऐसे संस्कार नहीं दे पा रहे, वो सबसे बड़ा एक वैक्यूम है, वो सबसे बड़ा ये इसी पक्ष पे डरता है। मैंने पॉइंट नोट किया था, आज हमारे यहाँ विवाह शादी में लोग नहीं आते और अपने घर की परंपराएं नहीं आती, एमए बीए पीएचडी में किसी अनपढ़ उसको लाते हैं, दादी को नानी को तू बता देगा कुछ लोग, और मैं छह गांवों में बता रहा हूँ, शहरों की बात छोड़ो आप, गांवों की स्थिति हो गई क्यों, धीरे 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 इतनी अंग्रेजियत आ गई, पाश्चात्य का इतना हो रहा, और एक हम उसको महिमा पंडित करते हैं, हम सब लोग जो है ना बर्थडे मनाते हैं, अपना केक बनाए बर्थडे में, अपना मोमबत्ती भी जाए फिर बजाते हैं, अभी क्यों बजाते हैं आप बताओ, कुछ है क्यों है किसे है, तो आप पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए, कल से नीति आयोग सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसे कहता है, डॉक्टर शर्मा ने कह दिया तो क्या। चलिए आज की ये मीटिंग हम यही रखते हैं। हाँ जी हाँ जी, तो कहना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजों की हमें भी नॉलेज नहीं है, डॉक्टर एनके शर्मा हमारे सामने हैं जो तो बहुत बहुत कुछ पता है, ये वो भी हमारी कभी क्लास नहीं और हम आगे बता सके बेसिक्स इन लाइफ में बहुत निकलने आते हैं। वो आपके बच्चों को बताए बिना ऊपर आ जाता है, इतना ज्ञान हमारे पास था, कि आप डिपार्टमेंट में जाके हम सब लोगों को
हमें ऐसा ऐसा लगता है कि रिसीव कर रहा लेकिन आप कहते जाते हैं जाते हैं तो सब कुछ सीख जाता है लेकिन कुछ डिपार्टमेंट वाले इनको चुनाते हैं कुछ राणा जी तब बुलाते हैं जब उनको लगता है कि आप कुछ ही मंत्र की जरूरत है फिर कहते हैं नाथ जी आके भी मंत्र पढ़ दो राणा जी के ग्रह कमरे शुरू में पहले दिन ठीक कर दिए थे पूरे 10-11 साल के इसलिए बुलाते हैं आप एक ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मतलब आपको नाम कोई डिजाइनर का नाम आप उसको दे दो लेकिन उसके अंदर जो है उनको आप इकट्ठा स्नातक धर्म कॉलेज है इसमें आपको वैदिक करके वो भी बना हुआ है जी 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 सारे करते हो तो उसके अंतर्गत सारे टीचर और वेरी यूजफुल जो हम बात करते हैं युवा युवा की और एक हम रखते हैं मीटिंग में अर्चक मंडल की मैं वहाँ अम्बाला जी की बात करता हूँ उसमें भी हम जरूर जाएंगे लगभग 150 के करीब ब्राह्मण हो जाएंगे पुजारी मंदिरों के पुजारी कर्मकांड करने वाले 150-200 के करीब 2-3 मीटिंग में पहले हो चुकी तो वो भी मीटिंग आप एक बार कर रही है चाय पानी के लिए धन्यवाद कर देता हूँ और आपका धन्यवाद जो है ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं एसपी एजुकेशन ये तो पता ही नहीं था ये तो आप ना बताते तो मुझे नहीं पता लगना जी मेरे ध्यान में नहीं चलिए एसबीबी प्रतिनिधि सभा और एसबीबी एजुकेशन बोर्ड की तरफ से मैं आप सभी का आज की इस मीटिंग में आने नहीं के लिए और अपने अपने विचार रखने के लिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की जो मीटिंग है तो हमने जिस कंसेप्ट को लेकर आपने आज की मीटिंग बताई और उसके ऊपर जो चर्चा हुई आने वाले समय में हम कोई ना कोई इसका प्रैक्टिकल रूप बनाकर इसको कोशिश करेंगे कि हम अपने स्कूल कॉलेज बाकी जगह पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन मुझे विश्वास है कि हम कम से कम स्कूल और कॉलेज के अंदर तो एक मॉडल को इम्प्लीमेंट तो एज अर्ली एज पॉसिबल कर सकते हैं क्योंकि हम सभी लोग इन चीजों एटलीस्ट स्कूल और कॉलेज से डायरेक्टली एफिलेटेड है तो एक बार फिर से मैं अपने तरफ से एस बी प्रधान सभा की ओर से एस बी एजुकेशन बोर्ड की ओर से आप सभी का धन्यवाद
आप सबको स्पष्ट कर दूं कि ये तो एक किस्म से विद्वत परिषद की आधारशिला रखी ना जी। इसके साथ में हमने जो कुछ भी करना है, क्योंकि हमारी जो संस्था है ये सेवन नगर स्टेट्स और दो यूनियन टेरिटरी में फैली हुई है। हमारे यहाँ अलग अलग प्रांत के लोगों की अलग अलग भाषा, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग टेम्परामेंट है। तो हमने जो कुछ भी करना होता है पहले हम सबको कॉन्फिडेंस दे, ये ना हो कि हम कोई नई चीज करते करते अपने लिए ही कोई जो है प्रॉब्लम इन्वाइट कर ले। तभी मैंने कहा कि एक ही नोट तैयार करेंगे छुट्टियों में लग जाए टीचर्स का। तो मैं बता देती जैसे टीचर्स अब इन्होंने मेडिकल रिलीव कर दिए, कल से रिलीव कर दिए, तो उन्हीं में से कैसे जो है बाकी को ऑनलाइन जो हम चाहते हैं कि वो जो भी चीज बता रही है उसके नीचे क्वेश्चन आंसर क्यों रखा जाए ताकि हमें पता लगे हमने सीखा क्या आज दिन के बाद। विषय निश्चित करके पहले दिन क्या बोलना है, पूरा स्टेबल टाइप 10 दिन का बना करके, चाहे आप डिटेल लेक्चर जमा कराओ, मेरी रिक्वेस्ट है कि लिस्ट जमा कराओ, जैसे जिस टॉपिक पर बोल रहे हो ना, मैंने कहा कि अभी ना अभी ना करो, और वो आपसे बात करते हैं, इनको अब पीछे पड़े रहना एक मिनट और ये किसी के काम नहीं है। हाँ वो वैदिक संस्कृति का वैश्विक स्वरूप वैदिक वाङ्मय के प्रमुख विषय संस्कार
इससे ज्यादा थैंक यू मैम, चलो मिलते हैं दोबारा फिर आगे। वो ठीक है, ठीक है।